back to lakshikasliving bahut time ke baad I'm uploading this video kyunki last week hum log nasik gaye the gaurav ke slip disc ke liye ek nuerotherapist ke paas uske baad gaurav ko mujhe amber ko sabko viral to pura week aise hi nikal gaya so sharing this video jo maine pehle shoot ki thi but sab aise hi unwell the to I was not able to upload so hope you'll enjoy the video let's start it secrets buried in my mind will they ever see the light when the city's sleeping I hear all your secrets you will lose your mind if you knew बहुत क्यूट सा एक हैंगिंग लेके आई हूँ मैं एम्बर के रूम के लिए ठीक है क्योंकि एम्बर को बनीज पसंद है एम्बर को वैसे सारे एनिमल्स पसंद है बट ये मैं लेके आई हूँ और ये मैंने ऐसे भी अभी दिखाती हूँ मेरे को ऐसे कबर्ड पे हैंग किया हुआ है और सेकंड ये वाले फ्लावर्स इनको मैंने ये थोड़ा सा डीआईवाई करने का ट्राई किया था एक बॉटल को तो इसमें प्लेस किया हुआ है अभी ये सेकंड ये थॉन्ग्स एंड ये वाला स्पैचुला तो नहीं है ये सूप स्टेनर टाइप ऐसे ही कुछ है कि पोर कर लो बट क्यूट था काफ़ी डोनट प्रिंट में तो एक ये लिया ये सब सिलिकॉन में है और ये नॉर्मल पनीर वगैरह फ्राई करने के लिए लिया था मैंने तो ये पैक ऑफ थ्री था अभी हम हैविंग और गाइस एक ये क्यूट सा फ्रेम टाइप है ये मतलब नॉर्मली स्टडी टेबल के लिए और अभी इसमें ऐसे ये मैंने सिर्फ ऐसे ही पुट किया हुआ है मतलब जो मिस्टर डीआईवाई के टैग्स लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं इसमें इनको बाद में मैं चेंज कर दूँगी तो बेसिकली ये मेरे मैंने अभी स्टडी जो डेस्क टेबल है उसके ऊपर रखा हुआ है और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा गेटअप दूँगी क्योंकि वॉल वगैरह पेंट होनी है अभी और ये क्यूट सा एक पेन बहुत प्यारा है तो ये छोटी छोटी चीज़ें डीआईवाई में अच्छी मिल जाती हैं एक दो ऑर्गेनाइज़र लेती हैं और ये मैंने पहले लिया था आठ चीज़ से इसमें भी अभी एम्बर की फ़ोटो डालनी बाकी है तो आई विल फिक्स दिस ऐप लेकिन उससे आइसक्रीम मोल्ड्स बहुत प्रिटी हैं अभी क्योंकि पेस्टल्स मेरे फेवरेट चल रहे हैं तो ये पिंक वाइट ये सी ग्रीन और ये थोड़ा ग्रेश और लेवेंडर सा शेड है एक ये लिया था ये शायद 150 या 170 में ही था डीआईवाई एक्सपेंसिव नहीं है उतना और ये छोटे छोटे मग्स वगैरह तो ये मैंने यहीं से उसे क्या बोलते हैं डी मार्ट से लिए थे आइसक्रीम मोल के साथ ही मैंने ये वाले आइसक्रीम बॉल्स रखे हैं मतलब ये मेरे को मिले हैं डी मार्ट से और आप इनका एमआरपी देख सकते हो सिर्फ 25 रुपीज़ इनका एमआरपी था और वहाँ पर डी मार्ट में मेरे को 19 रुपीज़ का एक बॉल मिला है तो होपफुली एम्बर इस सेक्शन को छोड़ दे और ये मेरी गौरव की दवाइयाँ भर भर के दी हैं डॉक्टर ने ये मेरी हैं पिंक में ब्लू में गौरव की हैं तो कुछ पीने वाले सिरप्स हैं और वैदिक और कुछ ये मल्टी वाइटामिन ये सब है अभी ये मैंने इस तरह से थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखा है यहाँ पे और ये जो मैंने मैट डाला है एम्बर को मंग के दिख गया ये मैट भी मैंने डीआईवाई से लिए थे ये वाला और इसी तरह मैंने इसे ऊपर जो डाला है ये वहीं से आया था व्हाट एम्बर एम्बर को मंकी देखना है ये रहा एम्बर का मंकी एक पुरानी कोई ड्रिंक की बॉटल थी तो ये भी मैंने उठाई है इस पे बहुत क्यूट क्यूट से तीन मंकीज है ये रहे थ्री मंकीज एम्बर कैसे करते हैं मंकू एम्बर ने फ्रॉक पहन यस मम्मा ने भी फ्रॉक पहनी गाइस एम्बर की ड्राइंग पीछे सब एम्बर को मैंने वहाँ से एक्चुअली कलर्स ही लाए थे हाँ मिस्टर डी वैसे मैंने एम्बर के लिए भी बुक्स ली थी और थोड़े से कलर वगैरह मतलब नॉर्मल जो वैक्स कलर यूज होते हैं वो लेते हैं और एम्बर ने क्या ही किया एम्बर ने सब वॉल पे लगाए हैं है ना एम्बर सब वॉल पे लगाए हैं एम्बर ने
और अभी एम्बर ने नया सीखा है. एम्बर वेट ना वेट एम्बर ने सीखा है क्या सीखा है एम्बर ने. हेलो गाइस एम्बर हेलो गाइस करो. हेलो गाइस हाउ आर यू. हाँ तो एम्बर को जब भी पता चलता है मैं व्लॉग करने वाली हूँ फोन उठाती हूँ एम्बर मुझसे पहले स्टार्ट कर देती है. हेलो गाइस वेलकम टू लक्षिकास्लिविंग. से इट. हेलो गाइस. नहीं ओके देन. तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ भी न्यूरोथेरेपी के बारे में. मुझे पहले से पता था कि एक्यूप्रेशर पॉइंट से ट्रीटमेंट होता है वो आई थिंक हम सबको पता है कि इस तरह से कुछ यहाँ पे जैसे ये हेडेक का बोलते हैं तो ये सब पॉइंट्स होते हैं उनसे आप क्योर करते हैं मतलब. तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती थी उस सेशन के बाद मुझे उन्होंने दिए थे डिटॉक्स सेशन क्योंकि दो तीन चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी कि आपको ये प्रॉब्लम्स है बेसिकली फैटी लीवर बताया था और डाइजेशन का प्रॉब्लम है मुझे. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 11 o'clock तक नहीं खाएं मॉर्निंग में जो कि बेसिकली जिसको हम इंटरमीडियंट फास्टिंग बोलते हैं. और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा वेट लूज भी उसी से होता है मुझे बहुत एक्टिव फील होता है तो डॉक्टर सजेस्टेड मी द सेम कि आप 11 o'clock तक ट्राई करें कि कुछ भी सॉलिड मील ना लें और 5 o'clock से पहले आप अपना डिनर या फिर लास्ट मील अपनी उससे पहले ले लें. तो जब वो थेरेपी देते हैं ना मैं वो थोड़े थोड़े वीडियोस मैंने ट्राई किया था कि मैं शेयर करूँगी बट फिर मुझे लगा प्रॉपर अगर मेरे को इम्प्रूवमेंट लगता है या फिर गौरव को प्रॉपर तरीके से इम्प्रूवमेंट लगता है तो मैं पूरा ही वीडियो कर दूँगी. तो उसमें ये यहाँ पे कुछ ये रिस्ट से लेकर और ये यहाँ एल्बो तक ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब प्रेस करते हैं वो लेग्स ऐसे ऐसे 3 times यहाँ फिर थाइज में बैक में और यहाँ पे ये जो शोल्डर मसाज ये तो आप घर पे भी उन्होंने ट्राई कर सकते हैं जैसे सर्वाइकल बोलते हैं हम लोग या जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो स्ट्रेस लेते हो तो आई नो दैट मतलब ओवर थिंकिंग का नेचर है मेरा. तो ये वाले पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे प्रेस किए थे और इतना ज़्यादा सूदिंग लगता था मतलब ऐसा मन करता था कि वो सेशन चलते रहे. मैंने तो 5 therapies ही ली हैं बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मतलब 10 to 15 भी ले लें तो आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा बट उतना टाइम नहीं था हमें यहाँ वापस आना था और एम्बर की नासिक जाते ही तबीयत ख़राब हो जाती है तो आई थॉट कि फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कैसा रहेगा. तो अभी कल हम लोग जा रहे हैं घर पे पानीपत ठीक है. मैं और एम्बर ट्रेन से हमारे बैग्स मैं दिखा चुकी हूँ पैक हो चुके हैं और उसके बाद बनाना है खाना बहुत सारा क्योंकि ट्रेन का खाना मैंने नहीं लिया उसमें इंक्लूड था बट मैंने उसको स्किप करके आई थॉट कि मैं घर से लेके जाऊंगी क्योंकि वायरल चल रहा है. एम्बर बीमार हो चुके हैं मैं हो चुकी हूँ गौरव हो चुके हैं तो वी विल नॉट टेक दैट रिस्क. तो अभी हम घर पे कुछ बनाएंगे हल्का फुल्का. ये शेम्बर एम्बर विल से बाय टू एवरीवन. ओ बाय बाय गाइस. बाय गाइस. लव यू ऑल. आई लव यू ऑल. डोंट बी फ्रॉम